मेरा नाम है शिवम विज और आज हम चर्चा करेंगे 12 झूठ जो CAA, NPR और NRC के बारे में फैलाए जा रहे हैं। पहला झूठ यह है कि CAA नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। ऐसा कहना झूठ इसलिए है क्योंकि आप CAA और NRC को अलग करके नहीं देख सकते। CAA और NRC दो भाई हैं। NRC से नागरिकता ली जाएगी और CAA से मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबको नागरिकता दे दी जाएगी। इसलिए CAA भी मुसलमानों से नागरिकता छीनने के लिए ही बना है। अभी असम में एक NRC कराया गया जिसके लिए सभी नागरिकों से बोला गया कि अपनी नागरिकता का सबूत पेश करें। जो लोग सबूत नहीं पेश कर पाए उनका नाम NRC में नहीं डाला गया। ऐसे 19 लाख लोग हैं, उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो नागरिक हैं भारत के, बस खाली वो सबूत नहीं ला पाए, कागज़ नहीं ला पाए, डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए अपने दादा परदादा उनकी नागरिकता के बारे में, ना सिर्फ अपनी नागरिकता के बारे में। इन 19 लाख लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान, लेकिन CAA के ज़रिए खाली उन हिंदुओं को नागरिकता देने की बात की जा रही है और उन मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर जो कि जेल से भी बदतर होते हैं उनमें डालने की बात की जा रही है। असम में BJP ने स्पष्ट तौर से बोला है कि CAA के कानून से वो उन हिंदुओं को नागरिकता दे देगी और बचेंगे मुस्लिम जिनको गैर भारतीय करार दे दिया जाएगा और डिटेंशन सेंटर में डाला जा सकता है। इन 19 लाख लोगों में अधिकतर भारतीय नागरिक हैं, बस अपनी नागरिकता का सबूत नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि सबूत की शर्त बहुत कठिन है। उनको अपने बाप दादा की नागरिकता भी साबित करनी पड़ रही है जिसके कागज़ बहुत लोग संभाल कर नहीं रखते। यदि NRC में कोई हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन या पारसी अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाएगा तो वो कह सकेगा कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से शरणार्थी है, अवैध तरीके से भारत में रह रहा था और उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। असम में NRC इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि वहाँ भाजपा भी उससे खुश नहीं। इसके बावजूद भाजपा NRC को सारे देश में करना चाहती है, ऐसा खुद भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा है और अमित शाह जी बार बार कह चुके हैं। जैसा कि अमित शाह जी कहते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा है, CAB आने के बाद NRC आएगा और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। दूसरा झूठ ये फैलाया जा रहा है कि CAA से किसी भी भारतीय मुस्लिम को या किसी भी भारतीय को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये कि CAA किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। सच ये है कि CAA सिर्फ एक ही मज़हब के लोगों को बाहर रखता है, वो है मुस्लिम मज़हब के लोग। यदि आपका नाम शिवम है और NRC में आप अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाते हैं तो आपको सरकार CAA के ज़रिए नागरिक बना देगी। लेकिन यदि आपका नाम सलीम है और NRC में आप अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाते हैं तो आपके लिए CAA नाम की कोई लाइफलाइन नहीं है। लाइफलाइन जैसा कि होती है ना, कौन बनेगा करोड़पति में, जिसमें कि लोग कहते हैं सवाल का जवाब नहीं है तो एक दोस्त को फ़ोन कर लो या कोई और लाइफलाइन ले लो। CAA वैसे ही एक लाइफलाइन है उन लोगों के लिए जो अपनी नागरिकता NRC में साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये लाइफलाइन धर्म के आधार पर दी जा रही है। CAA एक पैराशूट है जो सबको मिल सकता है मुसलमानों को छोड़कर। जब NRC नामक एक प्लेन क्रैश होगा तो CAA का पैराशूट सिर्फ गैर मुस्लिम भारतीयों को मिलेगा। इस तरीके से CAA भारतीयों को भी असर करता है, ना सिर्फ शरणार्थियों को, खासकर भारत के मुसलमानों को। जब भारत के अपने नागरिक NRC के ज़रिए अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे तो सरकार कहेगी कि आप शरणार्थी हैं अगर आप इस धर्म के हैं और आप घुसपैठिए हैं अगर आप उस धर्म के हैं। यही कारण है कि CAA सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए नहीं है, ये उन भारतीयों के लिए भी है जिनको सरकार कहेगी कि आप शरणार्थी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी नागरिकता का सबूत नहीं दे पाए। यदि CAA का भारतीय नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है तो ये बताइए कि अमित शाह जी ने दार्जिलिंग के गोरखा लोगों को एक रैली में ऐसा क्यों बोला कि CAA उनके लिए है? क्या दार्जिलिंग के गोरखा भारतीय नहीं हैं? क्या वो बांग्लादेश से शरणार्थी आए थे जो उनको CAA की जरूरत पड़ेगी? मैं कहना चाहता हूँ, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, गोरखाओं को डरने की जरूरत जरा भी नहीं है। इसके अलावे भी जितने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन आसपास के देश से आए हैं वो शरणार्थी है। सबको इस देश की नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का।
दूसरा झूठ जो हमें बोला जा रहा है वो ये कि CAA उनके लिए है जिनका पड़ोसी मुल्कों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है। सच ये है कि CAA में धार्मिक उत्पीड़न की कोई बात नहीं है, आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। CAA में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में आपका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, ये आपको साबित करना पड़ेगा। ऐसी कोई शर्त सरकार ने अभी तक CAA में नहीं रखी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कह सकता है कि मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से शरणार्थी आया था। अगर आपके पास नागरिकता के सबूत नहीं तो आप कह सकते हैं कि मैं तो शरणार्थी था, मुझे नागरिकता मिल जाएगी। क्योंकि CAA का असली मकसद शरणार्थियों की मदद करना नहीं है, CAA का असली मकसद है NRC। चौथा झूठ जो हमें बोला जा रहा है वो ये कि अगर हिंदू जाए तो कहाँ जाए। ये बात झूठ क्यों है इसको समझने के लिए सोचिए ज़रा दानिश कनेरिया के बारे में। दानिश कनेरिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खिलाड़ी हैं। उन्होंने हाल ही में बोला कि उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भेदभाव हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर दानिश कनेरिया अवैध रूप से भारत आ जाएं तो क्या उन्हें CAA की मदद से भारत की नागरिकता मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। सच ये है कि CAA में लिखा है कि 31 दिसंबर 2014 के बाद अगर कोई आएगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। अब सवाल ये है कि क्या 31 दिसंबर 2014 के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं का या दूसरे अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होना बंद हो गया है? क्या मोदी सरकार ये कह रही है कि इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं का उत्पीड़न होना बंद हो गया है? तो फिर भला ये 31 दिसंबर 2014 की डेट क्यों? 31 दिसंबर 2014 के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अगर उत्पीड़न हो रहा है हिंदुओं के साथ तो वो कहाँ जाएंगे? ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। सच ये है कि ये 31 दिसंबर 2014 की डेट इसलिए है ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से करोड़ों हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक भारत ना आने लग जाएं। क्यों? क्योंकि CAA का असली मकसद, जैसा कि हमने आपको बताया, शरणार्थियों की मदद करना नहीं है। CAA का असली मकसद है NRC। CAA का असली मकसद है उन भारतीय नागरिकों को नागरिकता देना जो NRC में अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ उन भारतीय नागरिकों को जो मुसलमान नहीं हैं। यदि CAA इसलिए बना है कि हिंदू कहाँ जाए, तो फिर CAA में क्रिश्चियन को क्यों डाला गया है? ईसाई धर्म के लोग के पास तो बहुत मुल्क हैं, बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में जहाँ ईसाई धर्म के लोग बहुमत में हैं, वो वहाँ भी जा सकते हैं। तो फिर CAA अगर हिंदुओं के लिए है तो ईसाई धर्म को क्यों डाला गया है? सच तो ये है कि दुनिया में बहुत देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के हिंदुओं को लेने को तैयार हैं अगर उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, जैसे कनाडा। उसका कारण ये है कि ऐसे मुल्कों में शरणार्थियों के लिए ऐसी नीति बनाई गई है जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। भारत को ऐसे मुल्कों से, ऐसे ईसाई बहुमत मुल्कों से कुछ सीखना चाहिए। पांचवा झूठ ये है कि CAA 1947 में हुए भारत के बंटवारे की गलतियों को सही करने के लिए बनाया गया है। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो दो मुल्क बने, भारत और पाकिस्तान। बाद में पाकिस्तान दो मुल्कों में हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। कोई ये बताए कि अगर बंटवारे के लिए CAA बनाया गया तो उसमें अफगानिस्तान कहाँ से आ गया? बंटवारे से पहले या कभी भी अफगानिस्तान भारत का हिस्सा नहीं था। हमको बार बार बताया जा रहा है कि CAA इसलिए बना है क्योंकि नेहरू और लियाकत के बीच में जो बात हुई थी उसका पाकिस्तान ने मायने नहीं रखा। लेकिन कोई ये बताए कि नेहरू लियाकत से अफगानिस्तान का क्या लेना देना? अगर CAA बंटवारे के लिए बना है तो उसमें अफगानिस्तान क्यों है? ये सच है कि अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है, लेकिन अफगानिस्तान का बंटवारे से क्या मतलब? और अगर बंटवारे से कोई मतलब नहीं और फिर भी अफगानिस्तान CAA में हो सकता है तो म्यांमार क्यों नहीं? म्यांमार यानी कि बर्मा 1937 तक भारत का हिस्सा था अंग्रेजी हुकूमत के साथ। छठा झूठ ये कि CAA का NRC से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हमको बताया जा रहा है। जब तक CAA का कानून पारित नहीं हुआ था तब तक सरकार कह रही थी CAA NRC। अमित शाह जी कह रहे थे आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAA आएगा फिर NRC आएगा। लेकिन जब CAA का कानून पारित हो गया तो उसके बाद अब सरकार कहती है NRC क्या होता है, NRC और CAA का कोई लेना देना नहीं है। सच बात तो ये है कि खुद अमित शाह जी ने बार बार बोला कि CAA NRC आपस में जुड़े हुए हैं। नागरिकता कानून को लेकर पिछली बार जो नागरिकता कानून में संशोधन का मामला TMC, कांग्रेस
और कम्युनिस्टों ने अटकाया था, अब वो यही हारने वाले हैं। जिन्होंने वहां रोका, जनता उनको यहां रोकने वाली है। और फिर हम पार्लियामेंट में वो कानून लाएंगे। इसी के साथ साथ एनआरसी के जरिए घुसपैठियों की पहचान का काम भी शुरू किया जाएगा, ताकि पश्चिम बंगाल के लोगों के हक पर अवैध तरीके से कब्जा करने वाले लोगों को सही जगह पहुंचाया जा सके। सातवां झूठ ये कि एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सेंसस के लिए किया जा रहा है। अप्रैल 2020 से आपके घर आएंगे लोग एनपीआर के लिए और आपसे पूछेंगे कई सवाल, और ये भी पूछेंगे कि आप किस देश के नागरिक हैं। अब हमको ये बताया जा रहा है कि एनपीआर का सीएए या एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एनपीआर सेंसस के लिए। ये सरासर झूठ है। सच तो ये है कि एनपीआर 2010 से हो रहा है, जबकि सेंसस 150 साल से हो रहा है। सेंसस को एनपीआर की कोई ज़रूरत नहीं है। सेंसस अलग कानून के लिए होता है, एनपीआर अलग कानून के लिए होता है। बस इतनी सी बात है कि सेंसस जो संस्था करती है, उसी संस्था को बोला गया है कि आप भी एनपीआर कर दीजिए। उस संस्था का नाम है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा सेंसस और एनपीआर का कोई लेना देना नहीं है। अगर एनपीआर नहीं होगा तब भी सेंसस हो सकता है। आठवां झूठ यह है कि एनआरसी के लिए सरकार ने अभी कोई कानून बनाया ही नहीं। ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि एनआरसी के लिए कानून 2003 से बना हुआ है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन लाके एनआरसी की बात उसमें डाल दी थी। आप सोच रहे होंगे कि अगर 2003 में वाजपेयी सरकार ने एनआरसी का कानून बना दिया तो उस पर उस समय लोगों ने हल्ला क्यों नहीं किया। सच बात तो ये है कि 2004 में वाजपेयी सरकार चुनाव हार गई, मनमोहन सरकार आ गई और मनमोहन सरकार ने एनआरसी करने की कोई बात नहीं करी, हालांकि वो कानून में लिखा हुआ है। हालांकि एनआरसी का कानून 2003 में बनाया गया, लेकिन अभी हाल ही में असम के एनआरसी से हमको इस बात का पूरा अंदाज़ा हुआ कि एनआरसी कितनी भयानक चीज़ है, इससे कितना नुकसान होगा, ये कितनी गलत चीज़ है, इसका अंदाज़ा हमें अभी हुआ है। लेकिन कानून एनआरसी का, जो ऑल इंडिया एनआरसी है, जो पूरे भारत में एनआरसी करने की बात है, वो 2003 में बन चुका है। असम का एनआरसी अलग चीज़ से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। एनआरसी का कानून 2003 से ही बना हुआ है, इसको आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि पूरे भारत में एनआरसी कैसे होगा। झूठ नंबर 9 वो ये कि कांग्रेस लाई थी एनआरसी। ये सरासर झूठ है। कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस की किसी सरकार ने कभी एनआरसी का कोई कानून नहीं बनाया। कांग्रेस की किसी भी सरकार ने कभी एनआरसी को नहीं किया, कभी किसी से नहीं बोला कि आप अपनी नागरिकता का सबूत दीजिए। असम में 1951 में जो एनआरसी हुआ था, उसमें किसी से नहीं बोला गया था कि आप अपनी नागरिकता का सबूत दीजिए। वो खाली सेंसस को लेकर रजिस्टर बना दिया गया था कि ये लोग सेंसस ने पाया है, यहाँ असम में रहते हैं, ये भारतीय हैं। 1985 में असम अकॉर्ड में कांग्रेस सरकार ने ज़रूर कहा कि हम असम में एनआरसी दोबारा करेंगे, लेकिन कभी किया नहीं। असम एनआरसी अभी हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से, जिसका भाजपा सरकार ने असम में भी और केंद्र में भी भाजपा सरकार ने समर्थन किया था। तो ये कहना कि कांग्रेस एनआरसी लाई, कांग्रेस ने एनआरसी किया, एनआरसी कांग्रेस की देन है, ये बिल्कुल झूठ है। झूठ नंबर 10 ये कि एनपीआर और एनआरसी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये बात झूठ इसलिए है क्योंकि जो कानून लाया गया एनआरसी का और एनपीआर का 2003 में, वो एक ही साथ लाया गया नागरिकता कानून का संशोधन करके, और उसमें साफ साफ लिखा है कि एनआरसी करने के लिए पहला कदम है एनपीआर। एनपीआर में घर घर जाके पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपकी माता का नाम क्या है, आपकी नागरिकता क्या है, आप किस देश के नागरिक हैं। फिर दूसरे स्टेप में दोबारा आपके पास सरकार आपके घर आ सकती है, ये कहने के लिए कि आप अपनी नागरिकता का सबूत दीजिए। आपने अभी एनपीआर में बोला था आप भारतीय हैं, अब आप सबूत दीजिए। और अगर आपके सबूत से सरकार खुश हुई तो आपका नाम वो तीसरे स्टेप में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में डाल देगी। लेकिन अगर आपकी नागरिकता के सबूत से सरकार को लगा कि आप
की नागरिकता पर शक है तो वो आपका नाम एनआरसी में नहीं डालेगी। इस तरीके से एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है, ऐसा मोदी सरकार भी बार बार कह चुकी है। 2018-19 की गृह मंत्रालय की खुद की रिपोर्ट में लिखा है कि एनपीआर एनआरसी के लिए पहला कदम है। झूठ नंबर 11 कि किसी भी भारतीय को एनआरसी सीएए एनपीआर से डरने की जरूरत नहीं है। ये कमाल की बात है, ये शब्दों का खेल है, क्योंकि सरकार आपके कागज देख के ये आपको बताएगी कि आप भारतीय हैं कि नहीं हैं। अमित शाह जी ने बोला कि पासपोर्ट तक आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है, तो सरकार कहेगी ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ, और यदि सरकार कहेगी आप भारतीय नहीं हैं तो आप नहीं हैं। उसके बाद सरकार आपका धर्म देख के कहेगी कि आप घुसपैठिए हैं कि आप शरणार्थी हैं, और यदि आप शरणार्थी हैं तो सरकार कहेगी चलिए हम आपको भारतीय बनाए चलते हैं। सरकार तय करेगी कि आप भारतीय हैं कि नहीं, और इसीलिए सरकार कह रही है किसी भी भारतीय को एनआरसी सीएए एनपीआर से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत उनको है जिनको सरकार ये कह सकती है कि आप तो भारतीय हैं ही नहीं। आखिरी झूठ नंबर 12 वो ये कि कोई डिटेंशन कैंप डिटेंशन सेंटर कहीं है ही नहीं। सच तो ये है कि पूरे देश पे डिटेंशन सेंटर हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से बोला है कि हर जिले में हर शहर में हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाए फॉरेनर्स के लिए, गैर भारतीयों के लिए, जिनमें कि गैर भारतीयों को रखा जाएगा। क्या आपको मालूम है कि दिल्ली में भी एक डिटेंशन सेंटर है, और क्या आपको मालूम है कि असम में डिटेंशन सेंटर में 28 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, ऐसा सरकार ने खुद कहा है। उसके बाद सरकार कहती है कि डिटेंशन सेंटर कोई है ही नहीं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और यदि आपसे CAA NRC NPR के बारे में कोई ऐसा झूठ बोले तो उनसे बस इतना कहिए कि ज़रा ये वीडियो देख लो।